खबर आगरा जनपद से, जहां 75 साल से इलेक्ट्रिकल व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही आगरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एवं मर्चेंट्स एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार रात माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुइयां पर आयोजित किया गया। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश गर्ग, जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन मारुति शरण चौबे, ज्वाइंट कमिश्नर पीडी मिश्रा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के शहर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता और प्रमुख समाजसेवी दानवीर बाबू रोशन लाल गुप्ता की गरिमा में उपस्थिति में नवीन कार्यकारिणी ने सत्र 2023-24 और 2024-25 के लिए विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को इलेक्ट्रिकल सामानों की ऑनलाइन खरीद बिक्री पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन माल मंगाए जाने से छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं, उनका व्यापार निरंतर घट रहा है। महासचिव राकेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी टैक्स अदा करके और लोगों को रोजगार प्रदान करके देश की आर्थिक समृद्धि में प्रमुख योगदान देने के साथ साथ आपदा काल और सामान्य काल में भी जरूरतमंदों की आगे बढ़कर मदद करता है। इसलिए अब जय किसान जय जवान के साथ जय व्यापारी का नारा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि संस्था 75 वर्षों से व्यापारियों के हित में निरंतर काम कर रही है। नई कार्यकारिणी भी व्यापार और व्यापारियों के हित में पूरी तरह संकल्पित है। व्यापारियों की हर समस्या का निदान संगठन के बैनर तले पुरजोर तरीके से कराया जाएगा। इस दौरान उत्तम चंद जैन, सुनील गर्ग, शैलेंद्र जैन संरक्षक, मुकेश गुप्ता अध्यक्ष, राकेश गुप्ता महासचिव, प्रदीप अग्रवाल कोषाध्यक्ष, अनिल जैन ऑडिटर, प्रवीण यादव वरिष्ठ सलाहकार आदि ने शपथ ग्रहण की। समारोह का संचालन महासचिव राकेश गुप्ता ने किया। अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने सबका आभार व्यक्त किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आगरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स का अध्यक्ष हूँ। ये नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी अभी चुनी गई है, उसका शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें सभी लोगों का पूरा सहयोग है। जॉइंट कमिश्नर ग्रेड वन जीएसटी विभाग, हमारे लोकप्रिय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, राज्य मंत्री श्री राकेश गर्ग जी, जॉइंट कमिश्नर वर्मा जी, ये सभी आज हमारे अतिथि है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह कराया और सभी को बधाई दी है और आगे की कार्रवाई हम उनके सम्मिल के रूप में करेंगे और उनके साथ मिलकर चलेंगे। आगरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है। हर वर्ष नई कार्यकारिणी बनती है एक कार्यकाल के बाद और उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसका कार्यक्रम है। और वैसे तो ये बेलगंज आगरा का बिजली का बहुत बड़ा केंद्र है और बहुत बड़ा काम आगरा को इन्होंने दिया है, तो आगरा के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बेलगंज में सभी दुकानदार एक मत से एक साथ मिलकर रहते हैं और चुनाव भी सब लोग मिलकर ही करते हैं। बहुत अच्छा काम, समाज सेवा का भी काम करते हैं और उनके हर कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मैं जो पदाधिकारी बने हैं उनको बधाई देता हूं और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामना भी देता हूं। आगरा जीएसटी विभाग से ईश्वर गेडवन नागकृष्ण चौबे, आज मुझे आगरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो चुनाव इनका 20-8-2023 को हुआ था, उसका शपथ ग्रहण समारोह आज मध्य महासभा भवन में किया जा रहा है। उसमें मुझे आयोजित किया गया है। मैं इस कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई देता हूं कि ये जो कार्य और दायित्व इनको मिले हुए हैं इसे बहुत नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। एंड मर्चेंट एसोसिएशन के नवीन कार्यकारिणी जो गठित की गई है उसके पदाधिकारी वह शपथ ग्रहण समारोह है और निश्चित तौर पर ये आगरा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हर तरह का इलेक्ट्रिक का पुर्जा, इलेक्ट्रिक का सामान सब आगरा में मिलने लगा है और आगरा में एक नया उद्योग विकसित किया है। और विशेषकर बिलोंगन में जैसे आप जानते हैं बिलोंगन पंपिंग सेट का काम कम हुआ तो अब वो पूरा मार्केट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि व्यापार को एक नई दिशा दे दी आगरा के नए व्यापार को। और जैसा मेरे को समाचार मिला यहाँ के व्यापारी
300 500 किलोमीटर तक सामान भेजते हैं। इसका मतलब ये गुडविल है, एक अच्छा व्यापार करने का तरीका, स्वच्छता है, ईमानदारी व्यवस्थित है। उसमें इस पूरी एसोसिएशन को और नवीन पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।